बचपन से देखते आ रहे हैं कि फेमस है, इतना स्वादिष्ट है बिना प्याज लहसुन का। हमारी दुकान कम से कम तो भैया यहाँ पर 55 साल से दुकान है यहाँ। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल पराठे वाली गली फ्रॉम देवघर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ पराठे वाली गली में एंड यहाँ पे जितनी भी आप एक लाइन से जो दुकानें आप देख रहे हो अंदर, ये सारी के सारे पराठे और मिठाइयों की दुकानें हैं जहाँ पे अंदर में पराठे दही चूरा वगैरह मिलते हैं। और यहाँ का सबसे फेमस दुकान जो माना जाता है वो है पप्पू जी पराठे वाले, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ पराठे बेचते हैं और काफ़ी नाम है इनका इस पूरे मार्केट में। चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास होता है इनका पराठा और कितना कुछ लजीजियत होता है इनके पराठे में। टेस्ट करेंगे और कराएंगे आपको भी, तो चले बिना देरी के चलते हैं। जय दोस्तों, इस वक्त जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पप्पू जी हुए हैं यहाँ के खुद ऑनर और यहाँ जो पराठा वगैरह जो है खुद बनाते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास होती है इनके पराठे की लजीजियत में। पप्पू जी, सबसे पहले ये बताइए आप कितने टाइम से हमें पराठे की दुकान है आपकी? हमारी दुकान कम से कम तो भैया यहाँ पर 55 साल से दुकान है। यहाँ 55 साल से दुकान है। और मतलब आप यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ करीब खट रहे हैं 30 साल से। हम खट रहे हैं 30 साल से। और ये पूरी जो गली है मतलब पराठे वाली गली के नाम से जाना जाता है। हाँ। ऐसा क्या कुछ खास होता है यहाँ के पराठे में, मतलब अगर हम बात करें? यहाँ का पराठा एक खासियत है कि सबसे बड़ा बात है कि गर्मा गर्म मिलता है। अच्छा जी। दूसरी बात है कि ठंडे मौसम में, जाड़े के मौसम में यहाँ तरह तरह का पराठा मिलता है। जी जी। आलू गोभी का पराठा मिलता है, आलू मटर का पराठा मिलता है, सत्तू का पराठा मिलता है, आलू का पराठा मिलता है, हर तरह का पराठा मिलता है, बिना तेल का भी बन जाता है। जी दोस्तों, अगर आप बिना ऑयल नहीं खाना हो तो उनका बिना ऑयल का भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आप थोड़ा मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो, आप अपने वजन को लेकर थोड़ा चिंतित हो, फिर भी आपको पराठा अगर पसंद है तो पराठे वाली गली में आकर आप निराश नहीं हो सकते, खासकर पप्पू जी के पास आके मतलब बिना तेल का भी पराठा ये बना देते हैं। पप्पू जी, अगर बात करें तो प्राइसिंग क्या रहती है इन सब पराठों की? पराठा का जिस तरह का कि आलू पराठा और सत्तू पराठा वो 40 रुपए के है रिफाइंड तेल में। जी। सरसों तेल में खाने से 45 रुपए की है। जी। और घी और अमूल घी में खाने का 55 रुपए की है। जी। अमूल बटर पे भी खाएंगे तो 55 रुपए की है। और पनीर का पराठा खाएंगे तो 80 रुपए की है, वो रिफाइंड तेल में देंगे। घी लगवाएंगे तो 100 रुपए की होगी। जी हाँ दोस्तों, तो वेराइटी ऑफ पराठा जो है वो डिपेंड कर रहा है क्वालिटी पे एंड क्वांटिटी पे, किस किस मतलब कौन सा पराठा आप ले रहे हो एंड कौन से तेल में आप खाना चाहते हो, बटर में, घी में या फिर किसी रिफाइंड ऑयल में, तो वो उसके अकॉर्डिंग टू इसकी सारी प्राइसिंग है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर और हम भी ट्राई करते हैं लजीजियत पराठे को। दोस्तों, पप्पू जी ने भी अपना पराठा यहाँ फटाफट लगा दिया है एंड ये जो आप पराठा देख रहे हो ये पूरा का पूरा थाली पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है। जैसे मतलब मान लो ये एक आलू का पराठा है, साथ में यहाँ पे मुझे मिला आलू गोभी का सब्जी और अचार एंड ओवरऑल जो एरोमा है ना पराठे की काफ़ी अच्छी है, खुशबू जो आ रही है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए फटाफट खाते हैं और बताते हैं क्या कुछ खास लजीजियत है, खुशबू जितना अच्छा है या नहीं। बहुत ही लाजवाब। नॉर्मली मैं बहुत से जगह पराठा खाया है बट वहाँ पे जो आलू के पराठे जो है तो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, बट उसके कंपेयर में इसकी बात को तो काफ़ी पतले हैं एंड काफ़ी कुरकुरे हैं, मतलब खाने में अच्छा लग रहा है। एंड बहुत से जगह पे आप जब पराठा वगैरह खाओगे तो शायद वो बहुत टाइम का बना रहता है, पता नहीं क्या, उसे खींचना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में, मतलब जो इसका बैलेंस जो है, इसके अंदर मसाला जो उन्होंने दिया, फीलिंग्स दी आलू की, काफ़ी अच्छी है। बहुत ही बेहतरीन स्वाद है यार, मतलब देवघर आकर और पप्पू जी के पराठे वाले का पराठा नहीं खाए ना तो बहुत ही तगड़ा कुछ आप मिस कर रहे हो। तो आ रहे हो पप्पू जी पराठा वाले का पराठा जरूर खाना, किसी से पूछो तो पराठे वाली गली है, पप्पू जी का दुकान, कोई अंधा हाथ पकड़ के लेके आ जाएगा आपका, इतना ब्रांड है, ब्रांड इतना नाम है मार्केट में पप्पू जी का। नोबर और मसालों का जो इंटीग्रेशन है बहुत ही बेहतरीन, पतला लेयर बिल्कुल हल्का हल्का कुरकुरा, खाने में लाजवाब। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा गौतम पांडे नाम हुआ। सर बात करें इस पराठे वाली गली में तो और भी कई सारे पराठे हैं, लेकिन हम आपसे एक शब्द में जाने तो पप्पू जी पराठे वाले ही क्यों? हम यहाँ लोकल हैं, बचपन से यहाँ रहते हैं और लगभग यहाँ पे कंटिन्यू आते रहते हैं जी, प्रत्येक दिन कहिए तो। अच्छा, मतलब प्रत्येक दिन ही आना जाना इनका। पप्पू जी पराठा वाला जो है वो मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं कि फेमस है और इतना स्वादिष्ट है बिना प्याज लहसुन का,
और टेस्ट में जो बचपन से अभी तक में जो बात है वो कैसा है? कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, अच्छा। हाँ, और क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट होता जा रहा है। प्लस में ये धार्मिक स्थल है बाबा बैद्यनाथ का नगर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग आते हैं तो बिना प्याज लहसुन वाला चाहिए उनको, इसीलिए अक्सर वो यहीं आते हैं। मतलब प्याज लहसुन का कमी जो अगर बात करें कहीं तो? नहीं, जरा भी नहीं, कभी नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, धन्यवाद सर। जी दोस्तों, अगर आप भी प्याज लहसुन खाने के शौकीन है तो आप सोच रहे होंगे कैसा होगा क्या होगा, तो जैसा आप सर ने बताया कि कहीं से भी उसकी कमी आपको नहीं खलने वाली है, मतलब बहुत ही बेस्ट है। तो और आप भी कभी आ रहे हो एक बार यहाँ का पराठे वाली गली में, और पप्पू जी का पराठा जरूर ट्राई करें। ठीक है पप्पू जी, और फिर आना होगा तो जरूर आपको दुकान पे आएंगे, तब हम खाली पेट आएंगे, दो चार को खा सके।